सुपरमैन और स्पाइडरमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन, राल्फ गोरिल्ला, ब्लैक गोरिल्ला, यस भाई, इतना और पेटरी राइनो, इतना खिलौना मेरा लिए ला दिए हैं। हाँ ठीक है, खेलो। हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं उठ गई हूँ, मेरा बेटा भी साथ में उठ गया है और इसके साथ एक्सरसाइज मैंने कर लिया और साइकिल राइड कर रहा है। और मैं अपना इधर आ गई अपना झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और अभी 4:30 बज रहा है, 4:30 बजे वो तो बाबू 4 बजे से उठ गया है। उसके बाद उसको थोड़ा एक्सरसाइज करवा दिए, एकदम बैठता नहीं है। और अभी 5 बजने वाला है और मैं ये उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड की, उसको थोड़ा एक्सरसाइज करवाई, उसके बाद इधर अपना काम करने आ गई हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा लूँगी। अभी मैं अपने बेटे के साथ एक्सरसाइज कर ली, वो मेरे साथ ही उठ जाता है और मेरे से पहले भी उठ जाता है, जितना बजे सोने से भी। रात को 12 बजे सोए लेकिन वो 4 बजे 5 बजे उठ जाता है और मुझसे पहले भी उठ जाता है। तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसको, नहीं तो इधर उधर खाली होने होते रहता है और मैं उठ के जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। उसके साथ इधर उधर होते रहती हूँ और जल्दी जल्दी करूँगी सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, होना पड़ता है। और छोटा है अभी, अभी मैं अपना झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी लगा लूँगी और फिर दूसरा काम करूँगी। इसीलिए और ये देखिए मैं आ गई कोदाल पकड़ के, गार्डन को साफ करने आई हूँ। आप में से कौन कौन गार्डन साफ करते हैं, कोदाल चलाते हैं, कमेंट करके बोलिए। और आज संडे है और आज छुट्टी सब, इसीलिए आज थोड़ा गार्डन का साफ सफाई हो रहा है। यहाँ खाली जगह है और मैं थोड़ा इसको घास अच्छा से छील दे रही हूँ और इसको जो मिट्टी है थोड़ा फैला दूँगी और कुछ लगाऊँगी सोच रही हूँ। और जब लगाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी क्या लगा रही हूँ। तो आज खाली इसका घास ऐसे पूरा अच्छा से मिट्टी को फैला के खोद के इसका घास सब चुन दूँगी, चुन के इसको फिर दूसरा दिन इसमें कुछ लगाऊंगी। तो अभी इसको अच्छा से साफ करके अच्छा से इसका काम फिनिश हो जाएगा। और उधर मेरा बेटा इधर उधर हो रहा है और मैं इसका जो गार्डन का जो घास, और ये देखिए मेरा बेटा घास निकाल निकाल के वहाँ हमारे गेट के बाहर एक गाय खड़ा है उसे जाके घास दे रहा है वो। और मैं अपना जोतने में लगी हूँ और ये हो गया, काम हो गया फिनिश, अभी मैं घर जाऊँगी। और ये मैं शाम के टाइम थोड़ा से, अभी बस 5 ही बजा है और मैं घर से निकली हूँ। देखिए कितना अंधेरा हो गया, लाइट सब ऑन हो गया है, ठंडा भी बहुत लग रहा है आज, ठंडा एकदम बहुत जोरदार ठंडा लग रहा है। देखिए पूरा अंधेरा हो गया है और मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ राउरकेला में कैसा ठंड पड़ रहा है। देखिए पूरा सब स्वेटर वेटर पहन के, पूरा स्कार्फ बांध के पूरा ड्राइविंग कर रहे हैं और पूरा कोहरा भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही ठंड है। और मैं अपना स्कार्फ लेके नहीं आई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, थोड़ा इवनिंग के टाइम आई हूँ और मेरा बेटा का एक कल फैंसी ड्रेस है, फ्रूट्स बनना है, इसलिए 5:30 अभी 5:30 हो रहा है। और देखिए कितना अंधेरा है चारों तरफ, कितना अंधेरा हो गया है। और मैं थोड़ा फैंसी ड्रेस के लिए कुछ पेपर्स लेना है और डेकोरेशन के लिए। और चलिए मैं अंदर जाती हूँ और दिखाती हूँ मैं कहाँ से डेकोरेशन के लिए सामान लेती हूँ। सो चलिए। अच्छा भाई, यही दुकान का नाम है कौन? स्टूडेंट पॉइंट सेक्टर 18। स्टूडेंट पॉइंट सेक्टर 18। अच्छा, 18 माने स्टूडेंट्स मानन को सब मटेरियल्स मिलो छ नहीं? हां,
देखिए गाइस, ये है स्टूडेंट पॉइंट, सेक्टर 18 में है। और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे चीज़ है। और यहाँ आप अगर राउरकेला से हैं और सेक्टर में रहते हैं तो यहाँ के ज़रूर यहाँ सब चीज़ें खरीदिए स्टूडेंट्स के लिए। जो फैंसी ड्रेसेस कंपटीशन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो यहाँ से बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, अच्छा प्राइस में भी मिल जाता है। और मैं यहाँ से आज लेने आई हूँ, देखिए कितने सारे सामान हैं। और जो प्रोजेक्ट के लिए जो खिलौने, कार, एरोप्लेन, ये सब चाहिए होता है, ये सब मिल जाता है। और ये ऑरेंज पेपर मैं ले रही हूँ अपना अपने बेटे के लिए। और ये इसका प्राइस 35 रुपीस है। और ये देखिए, कॉपी, पेन, बुक सब मिल जाता है। ये कुछ कार्ड्स है और ये खिलौना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो आप सेक्टर 18 से हैं या सेक्टर के कहीं से भी हैं, यहाँ के खरीदिए, बाय कीजिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा चीज़ है, मैं चारों तरफ आपको व्यू दिखा दे रही हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय।